साई राम, मैं पूनम वर्मा आपका अपने चैनल साई टेलर 777 में स्वागत करती हूँ। और हम मई के महीने के पहले सप्ताह की रीडिंग यानी 1 मई से 7 मई के बीच में कैसी आपकी एनर्जी रहने वाली है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, यहाँ हम चेक करेंगे। तो हम ये रीडिंग एलिमेंट के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं, एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो यस, आज का जो एलिमेंट है वो हमारा फायर एलिमेंट है। अगर आपकी मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए साईं बाबा का जाप करते हुए, राधे राधे का नाम लेते हुए हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं अपने टैरो कार्ड से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फायर एलिमेंट्स के लिए अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, 1 मई से लेकर 7 मई तक उनके दिन कैसे रहने वाले हैं फायर एलिमेंट्स के लिए, यानी कि एश राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए ये कैसे रहने वाले हैं, क्या उनके लिए गाइडेंस है। ओके, एंजाइटी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस, हैंग्ड। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेरो कार्ड्स की। तो फायर एलिमेंट्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे काफ़ी एंजाइटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा। आप किसी पास्ट लॉस के लिए या रिसेंटली आपको कुछ लॉस हुआ है, ये लॉस आपके रिलेशनशिप का भी हो सकता है, कोई आपका प्री आपसे खोया हो सकता है, या आपके प्री को कोई चोट लगी हो, या आपके प्री को कोई तकलीफ हुई हो, जिसकी वजह से आप एंजाइटी में दिख रहे हैं। ये चोट आपकी खुद की भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपके को खुद से कोई चोट लगी हो। यहाँ पे मुझे पैरों में तकलीफ दिखाई दे रही है, तो यहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैरों में कोई तकलीफ़ रही होगी या आपके सर पे कोई तकलीफ़ रही होगी, जिसकी वजह से काफ़ी ही आप एंजाइटी में हो। यहाँ पे स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, वो आपका मेंटली स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आपको अपनी रिसेंटली तकलीफ़ की वजह से नींद आने की समस्या हो रही है। ठीक है, फायर एलिमेंट्स, या एंजाइटी से बचने की कोशिश करो, क्योंकि जो हुआ है सो हुआ है। बस आपको अभी क्या ज़रूरत है, अभी आपको क्या है ना, गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ डॉक्टर से मिलने की सलाह आपको मिल रही है कि अपने जो आपकी हेल्प कर सकती, चाहे वो आपके डॉक्टर हो, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो आपके लिए मेंटर हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए काउंसलर हो सकता है, मतलब किसी ना किसी मेंटर, काउंसलर, डॉक्टर, जो आपको एनीबॉडी जो आपको हेल्प कर सके, उससे आपको बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, और वहाँ अपनी मदद लेने के लिए संकोच नहीं करना है, मदद मांगने में भी संकोच नहीं करना है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स हुई, यहाँ मैं लेग की बात कर रही थी, यहाँ हैंडमैन में भी देखिए एक पैर उसका लटका हुआ है, यहाँ कहीं ना कहीं पैर की समस्या दिख रही है। आप देखोगे कि यहाँ पे भी उसके पैर ज़मीन पे नहीं हैं, बल्कि उसके पैर स्टूल पे हैं। तो यस, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको पैरों में कोई तकलीफ़ हो, या आप ऐसी फिजिकल कंडीशन में हो जिसमें आपको मदद की ज़रूरत होती है और बिना किसी सहारे के आप चल नहीं पाते हो, या आपकी कमर में भी हो सकती है। मुझे यहाँ कमर का भी यानी बैक पेन की भी इशू आपके हो सकते हैं, और यहाँ पे भी जैसे दिख रहा है बैक पेन के इशू हो सकते हैं। यहाँ भी एंजाइटी दिख रही थी और यहाँ भी मुझे दिख रहा है उस एंजाइटी से बाहर निकलना होगा आपको। जो भी हुआ है उसको एक नए दृष्टिकोण से आपको देखना होगा, और इसके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग अफोर्ड कर सकते हो तो काउंसलिंग लीजिए, नहीं अफोर्ड कर सकते तो खुद से मेडिटेशन कीजिए, खुद पे विचार मंथन कीजिए। हैंडमैन खुद से विचार मंथन की बात करता है, ये खुद को ग्राउंडेड करता है ताकि वो सिचुएशन का हल निकाल सके। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडेड होकर के, काम होकर के, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी है, यहाँ पे कामनेस है, आपको काम ढूंढना होगा अपने लिए। काम यानी कि शांति, पीस,
उसे ढूंढना है, ग्राउंडेड रहना, अपने लिए हेल्प ढूंढनी है, और इस हफ्ते आप वो हेल्प ढूंढोगे, एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करोगे और तभी आपके लिए सफलता मिलेगी। चलिए आपके लिए और मैसेज देख लेते हैं। हालांकि यहाँ बहुत सारी हैंड एनर्जी है फायर एलिमेंट्स के लिए, जैसे बहुत सारे चीज़ों में फंसे हुए हैं, स्टक हो रहे हैं, किसी बुरी आदत का भी शिकार होते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसी बुरी आदतों से बचने की आपको सलाह दी जा रही है। एक मिनट मैं कैमरे को फिक्स कर लेती हूँ। देखिए कौन सी एंजल आपकी मदद कर सकती हैं। आर्कएंजल चामेल, यस, अगर आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खोया है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप के साथ जो हुआ है उससे आप निकल नहीं सकते, तो यस आपको हेल्प मिलेगी, और चाहे तो आप आर्कएंजल चामेल का भी आप प्रेयर कर सकते हो, वो भी आपकी मदद कर सकती हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि आप स्पार्कल हो, आप साइन करोगे, बस आपको अपनी सिचुएशन को नई दृष्टिकोण से देखना है। और यहाँ भी आपको बोला जा रहा है कि आर यू फोकस्ड ऑन रोमांस राइट नाउ, सिर्फ तकलीफ को मत देखो, अपने अंदर के प्यार को सुनो, आपको अपने प्यार के लिए भी देखना है, आपका प्यार आपके लिए कैसी उम्मीदें लगा के बैठा है। ठीक है, यहाँ आपके लिए प्यार की एनर्जी है, किसी प्रकार की हताशा है, तो अपने प्यार की तरफ देखो, अपनी फैमिली की तरफ देखो कि उनकी आशाएं कितनी हैं, अगर आप हताश हो गए तो आप कैसे उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, और इसमें आपकी मदद करेंगे, आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव की आवश्यकता है, और इसमें आपको आर्कएंजल चामेल आपकी मदद कर सकते हैं। वो आपसे कहना चाहती हैं कि आप कर सकते हो। चलिए आप लोगों के लिए अलग अलग राशियों के हिसाब से हम देख लेते हैं उनके लिए क्या अफर्मेशंस आ रही हैं जो आपको इस हफ्ते करनी चाहिए ताकि इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें। सिंह राशि के लिए, मेष राशि के लिए, धनु राशि के लिए। चलिए मेष राशि के लिए अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस अफर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं, आई एम मनी मैग्नेट एंड ऑल इज वेल। अगर मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी जो हेल्थ इश्यू हुए हैं, ये लव इश्यू हुए हैं, जिसकी वजह से आप बार बार एंजाइटी में जा रहे हैं, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, बस आपको अफर्मेशन करनी है आई एम मनी मैग्नेट एंड ऑल इज वेल। चलिए सिंह राशि के लिए देख लेते हैं, आई चूज हैप्पीनेस, आपको इस एंजाइटी से ही निकलने के लिए बोला जा रहा है कि आपको चूज करना, आपको नए दृष्टिकोण से देखना, अपने आप को शांत करना है, अपनी हेल्प ढूंढनी है, अगर फाइनेंशियल भी लॉसेस कुछ हुए हैं तो अपने लिए वो इन्वेस्टर ढूंढना है जो आपको इस लॉसेस से बचा सकता है, तो आई चूज हैप्पीनेस, जब आप खुद खुश रहेंगे तभी उस प्रॉब्लम का हल निकाल सकेंगे। सेकेंड आपका है आई एम स्पार्कल, जो मैंने कि अभी बोला है, आपसे आर्कएंजल चामेल कहना चाहते हैं, यू आर स्पार्कल एंड यू आर शाइनर, आपके अंदर बहुत सारा स्पार्क भरा पड़ा हुआ है, तो अगर कुछ समस्या हुई भी है सिंह राशि वालों, आप उससे निकल सकते हो, बस आपको हैप्पीनेस रखना है और नई दृष्टिकोण से देखना है। अगला है धनु राशि के लिए, सिंपलसिटी इज पावरफुल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी, कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप नए रूप से काम करना स्टार्ट करो, ऐसे एंजाइटी में मत बैठो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और सिंपलसिटी इज पावरफुल, अगर आप दूसरों को दिखावा के लिए उतना समर्थ नहीं कर पाते हैं तो याद रखिए सिंपल सिटी इज पावरफुल धनुराशि। तो यस आप सभी के लिए ये मेरी कुछ अफर्मेशन थी, ये टैरोट रीडिंग थी, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। बाय बाय फायर एलिमेंट।